सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म ओपिनियन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैडम वेब के क्रेडिट सीन के बारे में। मैडम वेब की मूवी 14 फरवरी 2024 को रिलीज होने वाली है और ये मूवी सोनी की तरफ से एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। मैडम वेब में इनिशियली ऐसे रूमर्स और रिपोर्ट्स निकल के आ रहे थे कि सोनी फाइनली अपने यूनिवर्स के अंदर एक स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करेगी। अगर आपने इस मूवी के प्लॉट डिटेल्स वाले वीडियोस देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे इस मूवी के अंदर हमें एक अनबॉर्न पीटर पार्कर देखने को मिल सकता है। पर सोनी इस मूवी के अंदर एक ओरिजिनल स्पाइडरमैन को भी डालने वाली थी और सोनी के ऐसे प्लान्स थे कि इस मूवी के अंदर या तो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन या तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सोनी की तरफ से दिखाया जाता। इनिशियली ऐसे प्लान्स थे कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन मैडम वेब की मूवी में दिखाया जाएगा, पर उसे बीच रास्ते पे छोड़ के टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ही वेनमवर्स के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान सोनी ने बनाया, क्योंकि इनिशियली सोनी का फर्स्ट प्लान टॉम हॉलैंड के साथ ही था और टॉम हॉलैंड को मार्वल को एक तरीके से रेंट पे दिया गया था सोनी के द्वारा, ताकि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इवेंचुअली वेनमवर्स में वापस आ सके, यानी कि सोनी के यूनिवर्स में वापस आ सके। पर अब सोनी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन को यूज ही नहीं कर रही है अपने वेनमवर्स के मूवीज के अंदर, जिससे कि ये सारे मूवीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन मूवीज के अंदर किसी भी स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू गारफील्ड या टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को इंक्लूड कर दे मार्वल और सोनी, तो ये मूवीज काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। पर अब इंटरनेट पे ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि इनिशियली ऐसे प्लान्स तो थे कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन मैडम वेब को दिखाया जाएगा, पर उस प्लान को स्क्रैप करके ये डिसाइड किया गया कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को हम इस मूवी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। पर अब ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि मैडम वेब की मूवी के अंदर कोई भी क्रेडिट सीन नहीं है। ये मूवी 1 आवर 56 मिनट्स की होने वाली है, पर इस मूवी के अंदर कोई भी क्रेडिट सीन शायद इंक्लूड नहीं किया गया है सोनी द्वारा, जिससे लगभग ही कंफर्म होता है कि इस मूवी के अंदर भी शायद आपको कोई भी स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलेगा। सोनी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने यूनिवर्स को वापस रिवाइव करने की, अगर वो किसी भी स्पाइडरमैन को इवन एंड्रू गारफील्ड या टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को इन मूवीज में दिखा दे तो। पर शायद सोनी ऐसा करना नहीं चाहती है। बाकी आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में जाना भूलें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना भूलें और अगर हमें चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।